हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आज मैंने बहुत ही खूबसूरत फूल देखा, ये लिली वाला। काफ़ी दिन से वेट था इसको, मैंने बहुत दिन पहले एक छोटा बड़ा सा पब इतना बड़ा सा लगाया था, मैंने वो भी दिखाया था आपको, और वो कब बड़ा हो गया ना पता ही नहीं चला। और ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ कितनी अच्छी है, और इसमें तीन ब्रांचेस निकल आई, पता है? एक ये, एक ये, एक ये। तो सबसे पहले इसमें बर्ड्स निकले थे, लेकिन इत्तेफाक से न जाने कीड़े लग गए, क्या हुआ, बर्ड्स जो है खिली नहीं, और मैं आपको फूल के दर्शन नहीं करा पाई, है ना। और मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया था, बर्ड्स खिली थी, मैंने उसकी पिक लगाई थी और एक छोटी सी शॉर्ट्स बनाई थी। उसके बाद फिर उन्हीं कीड़ों ने, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पत्ते भी चट कर गए, ये देखिए, है ना। फिर लगता है, फिर मुझे लगा शायद गाय ने खाए हों, लेकिन गाय खाती तो सारे पत्ते खा जाती है ना, हो सकता है कि गाय खाई हो और हो सकता है कि कीड़े खाए हों। फिलहाल अभी मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी किसने खाया। फिलहाल इसके पत्ते ऐसे ख़राब हो गए, मुझे तो नाउम्मीद हो गई थी, मैंने सोचा शायद अभी इसमें, अब ये कली जब ख़राब हो जा रही है और खिली नहीं रही है तो शायद ये बेकार पौधा होगा, मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी। लेकिन ना, मैं आपसे मतलब अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती हूँ कि ये बर्ड्स तो खैर नहीं खिली, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी होप नहीं खोनी चाहिए आदमी को। ये देखिए नया कल्ला इधर निकला, कितनी बड़ी बड़ी लीव्स निकली थी, सुंदर लग रही हैं। और ये पेड़ अचानक से देखिए कितना अच्छा सा बढ़ा, और ये देखिए फ्लावर इसके रेड कलर के, मतलब मैं जहाँ से लाई थी मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये किस कलर का है, क्योंकि उसमें ना कई कलर के उन्होंने लगा रखे थे अपने घर में। और मुझे उन्होंने छोटा सा पब्स दिया था, इसका इतिहास यही है कि उन्होंने मुझे एक छोटा सा पब दिया था, उन्होंने कहा ये डिवाइड हो जाएगा, मुझे लगा भी कि हाँ ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ के बर्ड नहीं खिला मुझे लगा ख़राब दे दिया क्या। लेकिन फिर जब इसमें देखिए तीन पब्स निकले और तीन प्लांट निकल आए, उसमें से एक में ये नहीं निकला, पहले वाले में अपने आप जो है कली निकली और सूख गई, या पता नहीं कीड़े वगैरह ने खा लिया, जाने क्या हुआ पता नहीं। हाँ, देखिए आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए कीड़ा, ये दिख रहा है ना, ये कैटरपिलर यही जो है पत्तियों को खा रहा है, इसकी पत्तियों को भी इसी ने खाया है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये ऐसे ही देखिए, ये पूरी पूरी पत्ती ख़त्म हो गई है ना, ये देख रहे हैं। अब मुझे कन्फर्म हो गया कि गाय ने नहीं खाया है, ये इस कैटरपिलर ने खाया है, ये देखिए। और उसके बाद फिर जो है मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए, ये फूल इतना सुंदर, फिर इस वाले जो ये अचानक से बढ़ा ना, ये पेड़ी मुझे पता ही नहीं था कि ये अचानक से कब बढ़ गया, इसका तो आइडिया था, इसको तो मैं रोज़ वॉच भी कर रही थी, ये अचानक से बढ़ गया, इतना लंबा हो गया। और लंबा ये क्यों हुआ? क्योंकि इसे फूल देना था। तो ये देखिए इतने अच्छे से ग्रोथ किया, और इसमें बर्ड्स भी निकली हैं, सारी कलियाँ नहीं खिली हैं अभी, और जो नीचे का प्लांट था उसमें ऐसी ही कलियाँ निकली थी लेकिन नहीं खिल पाई थी, मैंने आपको दिखाई थी, मैं वेट कर रही थी कि मैं आपको फूल भी दिखा सकूँ, नहीं दिखा सकी इत्तेफाक से। लेकिन आज वो दिन आ गया है कि मैं आपको फूल के दर्शन करा रही हूँ, वो भी सुबह सुबह, एकदम सुबह का टाइम है। वैसे मैं लॉन्ग वीडियो हमेशा ना दोपहर या शाम को पोस्ट करती हूँ, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई और मुझे इतना एक्साइटमेंट था, मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने तुरंत बच्चे को वैन पे बिठाया और कैमरा उठाया और इसमें वीडियो बनाई, और आपको अभी तुरंत मैंने शेयर की मॉर्निंग में ही, क्योंकि फूलों के जो देखने से मॉर्निंग में मज़ा मिलता है ना, वो शायद शाम और दोपहर में नहीं मिलता है। मतलब सुबह उठे तो आपको फूल के दर्शन होने चाहिए, हर तरीके के फूल के, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। ये देखिए बाकी फूल भी हैं, ये देखिए इसमें वो भी निकल आई है, आपको दिख रही है, इसमें भी देखिए पूरा पूरा निकल आया है, जो फूट ककड़ी होती ना वो निकल आई है उसके, देखिए ये देखिए इतनी बड़ी हो गई है। फिलहाल मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, ये कैटरपिलर मैंने आपको दिखा दिया कि पत्तियों को चट कर रहा है, अब मैं सोच रही थी ना इसको हटा ही दूँ, क्योंकि ये सारी पत्तियों को खा जाएगा, है ना, फूल इतना सुंदर आ रहा है फिर ये खा जाएगा तो मेरा तो दिल ही बैठ जाएगा, इसलिए मैं इसको सीधे ऐसे तोड़ूँगी और ये ज़मीन पे रोड पे फेंक दूँगी, लेकिन रोड पे फेंकूँगी तो बेचारा मर जाएगा,